ब्रह्माचार्य भया पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंदराय जी महोदय एवं बाबू जी के चरणारविंद में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव जनों को मेरा भगवत स्मरण। मैं दीपांश अग्रवाल बागोदनी पाठशाला चारकमान छात्र से हूँ। सभी को आज के दिन की श्री वल्लभ के प्राकट्य महोत्सव की मंगल बधाई। श्री वल्लभ का प्राकट्य दैवी जीवों के उद्धार और मायावाद के निस्तार के लिए हुआ था। श्री महाप्रभु जी के वंश में 100 सूर्य के पूर्ण होने पर विक्रम संवत 1535 वैशाख वदी 11 गुजराती चैत्रवदी 11 के दिन चंपारण्य में सभी वृक्ष के नीचे हुआ था। उनके पूर्वज दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में व्योमस्तंभ नामक पर्वत के पास और कृष्णा नदी के पास ब्राह्मणों के काकरवान काकुंबर नाम के नगर में रहते थे। वे शुद्ध वेदनाड अथवा वेदनाडु के नाम से भी जाने जाते थे। वे यजुर्वेद तैतरीय शाखी और भारद्वाज गोत्र के थे। उनकी कुलदेवी का नाम रेणुका था। श्री महाप्रभु जी के पूर्वजों में से श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी हुए जिन्होंने 3200 यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री गंगाधर भट्ट जी हुए जिन्होंने 2800 यज्ञ किए और उनके पुत्र श्री गणपति भट्ट जी ने 3000 यज्ञ किए। उनके पुत्र श्री वल्लभ भट्ट अथवा बालम भट्ट ने 500 यज्ञ किए और उनके पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 500 यज्ञ किए। इस प्रकार से 100 सोमयों के पूर्ण हो जाने के पश्चात श्री ठाकुर जी ने पदानंद अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ। श्री वल्लभ की माता का नाम श्री लम्बागारो जी और उनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी था। इतना कहके मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ।